अयोध्या के राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। राम लल्ला से मिलने आए स्वयं हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना राम की नगरी अयोध्या की है, जहाँ एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में एक के बाद एक ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक चमत्कार 22 जनवरी के दिन भी हुआ। 22 जनवरी को जब दोपहर के वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था, इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे, लेकिन उसी वक्त एक ऐसी वारदात हुई जिसे देखकर वहां मौजूद बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैरान रह गई। इस घटना के बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, दोपहर के वक्त जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा था, जैसे ही आरती शुरू हुई, तभी न जाने कहां से एक छोटा सा वानर रामलला की मूर्ति के चरणों में आके बैठ गया और प्रभु श्री राम की मूर्ति को एक टक निहारने लगा। और इतना ही नहीं, यह वानर तब तक बैठा रहा जब तक कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा नहीं हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी भक्त चौंक गए। पल भर में ही ये खबर पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। दोस्तों, आज की ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। हिंदू धर्म में जब भी किसी मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना उसकी पूजा शुरू नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है जीवन देना। ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा करने से देवी देवता उस मूर्ति में साक्षात अवतरित हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं और वह पूजनीय हो जाती है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भी राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरी अयोध्या नगरी को भगवा रंग से सजाया गया था। देश के हर हिस्से में उत्सव का माहौल था। हर तरफ एक ही शब्द, एक ही नारा जय श्री राम गूंज रहा था। लेकिन उस दिन जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई, उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है, एक सच्चाई है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे जो भी इंसान सुनता है, वह हैरत में पड़ जाता है, उसे भगवान पर भरोसा हो जाता है और वह हनुमान जी का गुणगान करने लगता है। जब से अयोध्या निर्माण का काम शुरू हुआ है, सभी देवी देवता कोई ना कोई रूप धारण करके अयोध्या की पवित्र भूमि पर आगमन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तब हुई जब स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा था, तो एक छोटा सा वानर रामलला की मूर्ति के चरणों में आके बैठ गया और प्रभु श्री राम की मूर्ति को निहारने लगा। गर्भगृह में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सोचा कि कहीं ये वानर रामलला की मूर्ति को गिरा ना दे, इसलिए वे वानर को भगाने लगे। लेकिन वहां मौजूद एक संत ने कहा कि रुको, इसे भगाने की हिम्मत भी मत करना। यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह साक्षात बजरंग बली श्री हनुमान है, जो कलयुग में भी अपने प्रभु श्री राम के बिना नहीं रह पाते, इसलिए वह आज रामलला के दर्शन करने आए हैं। जब सभी देवी देवता भगवान श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं, तो भला हनुमान जी अपने प्रभु के बिना कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, यह वानर पूरी शांति के साथ तब तक बैठा रहा जब तक कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा नहीं हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वह पूरे समय रामलला की मूर्ति को एक टक देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह मन ही मन रामलला से बात कर रहा हो। प्रभु श्री राम और हनुमान के मिलन का नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग गदगद हो गए। वे जान गए थे कि यह कोई आम मिलन नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान और भक्त का मिलन है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह वानर बिना किसी को कष्ट पहुंचाए बाहर चला गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद अचानक से ऐसे लगा जैसे लाइट के एक झोंके ने गर्भगृह में प्रवेश किया हो। गर्भगृह में मौजूद सब लोगों ने देखा कि रामलला की आंखों में एक चमक सी आ गई है, जैसे कि प्रभु श्री राम साक्षात उस मूर्ति में अवतरित हो गए हो। रामलला की मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। अरुण योगीराज को भरोसा ही नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। उसके सामने बैठा था, ऐसे ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है।
अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि अपने भक्त हनुमान जी के साथ मुलाकात करने के बाद ही रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामायण के अनुसार कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप में विराजमान रहते ही हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। वैसे तो देश भर में कई जगहों पर हनुमान जी को देखने का दावा किया जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिनमें हनुमान जी को उड़ते हुए देखा गया है। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है वह दिल्ली के कुतुब मीनार का है, जिसमें कोई शख्स कुतुब मीनार के ऊपर से हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वह साक्षात हनुमान जी हैं। यह पहला अवसर नहीं है जब बजरंग बली वानर रूप में प्रकट हुए। पहले भी कुछ अवसरों पर हनुमान जी प्रकट हो चुके हैं। ऐसा ही एक अवसर था साल 1998 का। अब आगे जो खबर हम आपको सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बात 1998 की है जब आतंकियों ने पूरी अयोध्या को टाइम बम से उड़ाने का प्लान बनाया था। अयोध्या में कई जगह पर टाइम बम फिट कर चुके थे। पूछताछ में पता चला कि अयोध्या के हनुमान गढ़ी में 18 किलो RDX दबा हुआ है। कहां दबा हुआ है यह किसी को नहीं पता था। इस खबर ने पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस की टीम तुरंत ही हनुमान गढ़ी पहुंची, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे। बम डिफ्यूज करने वाली टीम को भी जल्दी बुलाया गया। मंदिर का हर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन RDX का कहीं पता नहीं चल रहा था। अचानक से किसी ने देखा कि वाटर कूलर पर एक बंदर बैठा था। वह बंदर बार बार एक तार को खींचकर वाटर कूलर से निकालने की कोशिश कर रहा था और तार को मुंह में लेकर चबा रहा था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उस बंदर को केले भी डाले ताकि उसको वहां से हटा सके, लेकिन बंदर ने उन केलों की तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद बंदर ने वहां से छलांग लगाई और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। बम डिफ्यूज करने वाली टीम ने जैसे ही वाटर कूलर को खोला तो उसमें एक टाइमर सेट किया हुआ बम मिला। ठीक से जांच किया तो पता चला कि मात्र 3 सेकंड पहले ही बम को डिफ्यूज किया जा चुका है। टाइमर 3 सेकंड पर आके रुका हुआ है। उस बंदर ने ही RDX की तार को अपने दांतों से काटा था और बम को फटने से रोक दिया था। लोगों ने कहा कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। बंदर के उस कारनामे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस की टीम भी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि जिस बम को वो लोग घंटों से खोज रहे थे, उस बम का इस बंदर को कैसे पता चला। अगर उस दिन वो बंदर नहीं होता तो आज का हनुमान गढ़ी भी नहीं होता। लोगों का मानना है कि वह कोई आम बंदर नहीं था, बल्कि साक्षात हनुमान जी थे। ऐसी ही एक वारदात साल 1986 में भी हुई, जब एक याचिका पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट जज कृष्ण मोहन पांडे राम मंदिर का ताला खोलने का निर्णय सुनाने वाले थे तो कोर्ट रूम में जाते समय उन्हें भवन का झंडा स्तंभ पकड़े एक काले रंग का बंदर दिखा था। उस बंदर को लोगों ने मूंगफली चना खिलाने का प्रयास किया, लेकिन बिना कुछ खाए पिए वह पूरे दिन ध्वज स्तंभ को पकड़ के बैठा रहा। राम मंदिर का आदेश होने के बाद वह बंदर कहीं गायब हो गया। शाम को जब कृष्ण मोहन पांडे अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि वही बंदर घर के बरामदे में बैठा है। ये देखकर वह हैरान रह गए। वह निश्चित ही कोई दिव्य शक्ति रही होगी। आपको बता दें कि श्रीलंका के जंगलों में इंसानों का एक ऐसा समूह रहता है जिनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बिल्कुल अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। इन लोगों का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी इन लोगों से मिलने आते हैं और अपना एक दिन इन लोगों के साथ बिताते हैं। श्रीलंका के जंगलों में निवास कर रहे इस समूह का दावा है कि आखिरी बार 27 मई 2014 के दिन हनुमान जी इन लोगों से मिलने आए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें।